मशहूर है जहां में माता की ये कहानी, मशहूर है जहां में माता की ये कहानी। माँ वैष्णो की गाथा भक्तों हूँ मैं सुनाता, सुन लो मेरी जुबानी। मशहूर है जहां में माता की ये कहानी, मशहूर है जहां में वैष्णो माँ की ये कहानी। मशहूर है जहां में माता की ये कहानी। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। भक्त जनों आइए आज श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी के पावन कथा सुनते हैं। हंसाली गांव में था एक माँ का भक्त श्रीधर, सिमरन था करता निस दिन माता का ध्यान धर कर। श्रीधर की पूजा देखी माँ अम्बे मुस्कुराई, दर्शन दिए श्रीधर को और जान भी बचाई। सुन लो ए प्यारे भक्तों श्रीधर पे कर दी फिर तो माता ने मेहरबानी। मशहूर है जहां में माता की ये कहानी, मशहूर है जहां में वैष्णो माँ की ये कहानी। मशहूर है जहां में माता की ये कहानी। और आइए आगे जानते हैं कि किस तरह से उस भक्त के घर कंगाली छाई थी। निर्धन था लेकिन माँ की कृपा किस तरह हुई आगे बताएं। श्रीधर और उसकी पत्नी के घर में थी कंगाली, निर्धन थे दोनों प्राणी और गोद भी थी खाली। संतान का सुख उनको अब तक नहीं मिला था, उपवन में उनके कोई भी फूल ना खिला था। संतान से थे वंचित, रहते थे दोनों चिंतित, पंडित और पंडितानी। मशहूर है जहां में माता की ये कहानी, मशहूर है जहां में वैष्णो माँ की ये कहानी। मशहूर है जहां में माता की ये कहानी। और वो भक्त माता के नवरात्रों का समय आ रहा था और वो पूजन की तैयारी कर रहा था, माँ को मनाने की तैयारी कर रहा था, भक्ति की तैयारी कर रहा था। माता के नवरात्रों का जब के समय था आया, श्रीधर ने श्रद्धा से तब कन्या पूजन कराया। कन्या पूजन में आई थी कन्या वैष्णवी भी, भोजन किया कन्या ने और श्रीधर से बोली। सब लोगों को बुलाना, भंडारा तुम खिलाना, श्रीधर ने आज्ञा मानी। मशहूर है जहां में माता की ये कहानी, मशहूर है जहां में वैष्णो माँ की ये कहानी। मशहूर है जहां में माता की ये कहानी। और भक्त श्रीधर ने फिर तो घर घर में झूमते हुए सबको न्योता दिया कि वो आए
और माँ का प्रसाद ग्रहण करें। श्रीधर ने फिर तो घर घर न्योता दिया, यूं जाकर भंडारा खाए आकर सब लोग मेरे घर पर। श्री गोरखनाथ और भैरव भंडारे में आए, भोजन जो देखा भैरव यो क्रोध में चिल्लाए। ये पूरी और सब्जी आगे से हटा लो जी, मुझको नहीं ये खानी। मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में वैष्णो माँ की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी। और गोरखनाथ जी और भैरव जी क्रोधित हो गए और उसके बाद वो कहने लगे कि मैं तो मांस और मदिरा का ही सेवन करूंगा। मांस और मदिरा का मैं तो करूंगा भोजन, ले आओ मांस मदिरा और मुझको करो अर्पण। कन्या ने कहा ऐसा करना नहीं है संभव, फिर तो पकड़ने माँ को दौड़ा वो दुष्ट भैरव। वायु का रूप धर के और द्वार से गुजर के तब उड़ चली महारानी। मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में वैष्णो माँ की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी। और विघ्न डालने के बाद माता रानी और संग संग हनुमान जी भी चल रहे थे भैरव को सबक सिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक भक्त की खातिर। भैरव भी माँ के पीछे पीछे ही आ रहा था, माता को पकड़ने का संकल्प ले लिया था। हनुमान जी भी माता के संग चल रहे थे, भैरव से लेने टक्कर वो भी मचल रहे थे। हनुमान गदाधारी करते थे पहरेदारी, निर्भय थी माँ भवानी। मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में वैष्णो माँ की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी। और जब चलते चलते पानी पीने की इच्छा हुई तो हनुमान जी ने क्या कहा, तो आइए आगे सुनते हैं। जब चलते चलते पानी पीने की हुई इच्छा, हनुमान जी ने माता जगदम्बे को बताया। पानी पिलाओ मुझको भी प्यास लग रही है, सुन के माँ मुस्कुराई और कृपा ऐसे की है। माँ ने जो बाण मारा पत्थर से निकली धारा, हनुमत ने पिया पानी। मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में वैष्णो माँ की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी। और माँ वैष्णो देवी ने उस बाण से वो करिश्मा किया कि जल की धारा फूट निकली और आज भी लोग उसे बाण गंगा कहते हैं, तो आइए आगे सुनते हैं। माता की महिमा से जो निकली वो जल की धारा, ये दुनिया आज उसको
कहती है बाढ़ गंगा, इस बाढ़ गंगा का है पानी बड़ा गुणकारी, स्नान करके इसमें दूर होती हर बीमारी, जो भी लगाए डुबकी रोगों से पाए मुक्ति, निरोग हो वो प्राणी। मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में वैष्णो माँ की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी। और फिर वहां से चलते चलते माता त्रिकुट की एक गुफा के अंदर पहुंची, और आइए देखते हैं कि वहां क्या होता है बड़े श्रद्धा पूर्वक। त्रिकुट की एक गुफा के अंदर जो पहुंची माता, आसन वहां पे फिर तो माँ वैष्णो ने लगाया, 9 मास तक वहां पर माता ने तपस्या की, परमात्मा प्रभु की माने आराधना की, माने किया कठिन तप, अविराम था किया जब, 9 माह बन के ध्यानी। मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में वैष्णो माँ की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी। और फिर भैरव माता को ढूंढता ढूंढता उस गुफा तक आया, और फिर उस नादान से क्या नादानी हुई, आइए आगे सुनते हैं। माता को ढूंढता जब भैरव गुफा में आया, रोका एक साधु ने और भैरव को ये बताया, नादान है तुम मूर्ख, कब तुझको ये पता है, तू जिसको ढूंढता है वो माता जगदम्बा है, सुन ले तू मेरा कहना, तुझको पड़ेगी वरना ये जान भी गवानी। मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में वैष्णो माँ की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी। और जब ध्यान से माँ वैष्णो देवी जब उठी, गुफा से बाहर निकली और क्रोधित हुई, फिर देखिए क्या होता है। जब ध्यान से माँ उठी बाहर गुफा से निकली, क्रोधित हुई माँ जिस दम भैरव पे पड़ी दृष्टि, माँ ने उसे समझाया और बोली जा चला जा, भैरव मगर न माना जिद पे अड़ा दीवाना, आगे का सुनिए किस्सा जो है विचित्र गाथा है आपको बतानी। मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में वैष्णो माँ की ये कहानी, मशहूर है जहाँ में माता की ये कहानी। और उसके बाद भक्तों हनुमान जी भी क्रोधित हो गए और भैरव से टक्कर लेने के लिए आ पहुंचे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। देखी जो ऐसी हालत, क्रोधित हुए हैं हनुमत, भैरव से लेने टक्कर आ पहुंचे अंजना सुत, भैरव से लड़ते लड़ते हनुमान थक गए, जब माता ने अपने हाथों
भैरव का कब किया वध, भैरव को माने मारा, मृत्यु के घाट उतारा, विजयी हुई महारानी। मशहूर है जहां में माता की ये कहानी, मशहूर है जहां में विष्णु माँ की ये कहानी, मशहूर है जहां में माता की ये कहानी। और उसके बाद भैरव ने माता रानी से अरदास लगाई, बोलिए सच्चे दरबार की जय। आगे देखते हैं क्या होता है। भैरव ने माता से फिर अरदास यूं लगाई, महिमा तेरी ए मैया मुझको समझ न आई, दो जीवन दान मुझको एहसान कर दो माता, वरदानी हाथ मेरे तुम सर पे धर दो माता, अरदास मेरी सुन लो कृपा बस इतनी कर दो मुझ पर ए माँ भवानी। मशहूर है जहां में माता की ये कहानी, मशहूर है जहां में विष्णु माँ की ये कहानी, मशहूर है जहां में माता की ये कहानी। और फिर माँ तो माँ ही होती है, माँ को भैरव पर तरस आ गई, दया आ गई है, और क्षमा करते हुए अब देखिए आगे क्या होता है। करुणामयी मैया को उस पर दया जो आई, भैरव को देख के जीवन माँ अम्बे मुस्कुराई, बोली जो भक्त चलकर दर्शन को मेरे आए, दर्शन वो करके मेरे फिर तेरे बार जाए, भैरव के सर पे माता ने फिर तो हाथ रखा, बोल उठी महारानी। मशहूर है जहां में माता की ये कहानी, मशहूर है जहां में विष्णु माँ की ये कहानी, मशहूर है जहां में माता की ये कहानी। दरबार की जय। और आइए भक्तजनों सब माता के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं। ए माता जिसने भी तेरी कथा सुनी है, इसमें नहीं है शंका किस्मत का वो धनी है, हम तेरे बछड़े हैं माँ करना हमारी रक्षा, दिन रात करते हैं माँ हम सब तुम्हारी सेवा, दर पर हमें बुलाना दर्शन हमें दिखाना, ये विनती है भवानी। मशहूर है जहां में माता की ये कहानी, मशहूर है जहां में विष्णु माँ की ये कहानी, मशहूर है जहां में विष्णु माँ की ये कहानी, मशहूर है जहां में माता की ये कहानी।